हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम ये यूनिट को आगे बढ़ाएंगे और आज हम थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम का फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके थ्री प्रॉब्लम्स लिए थे, उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे न्यू चैनल को विजिट करिए जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स स्टडी के लिए बनाया है। हमारे न्यू चैनल का नाम है टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स और ये चैनल का लिंक हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम का फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा, थ्री फोर्सेस एफ पी एंड क्यू एक्टिंग एट पॉइंट डी एज शोन इन फिगर, एफ इक्वल्स टू 90 न्यूटन, पी इक्वल्स टू 150 न्यूटन, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्यू सो दैट द रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पॉइंट डी इज इन एक्स वाई प्लेन। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया है वो आपके सामने है। ये एक थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम है और ये थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम में टोटल तीन फोर्सेस दिए हैं। ये देखिए फोर्स एफ एक्टिंग फ्रॉम डी टू ए, देन दिया है फोर्स पी जो कि एक्टिंग फ्रॉम डी टू बी, एंड फोर्स क्यू इज एक्टिंग फ्रॉम डी टू सी। और ये तीन फोर्सेस में दो फोर्सेस का मैग्नेट्यूड दिया है, थर्ड फोर्स का मैग्नेट्यूड अब्सेंट है, वही हमें फाइंड आउट करना है। ये देखिए फोर्स एफ का मैग्नेट्यूड है 90 न्यूटन, फोर्स पी का मैग्नेट्यूड है 150 न्यूटन और फोर्स क्यू का मैग्नेट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। और ये फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया है, क्वेश्चन में लिखा है कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ये कंडीशन का यूज कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने जो थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम का जो थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड था। अगर आपने वो प्रॉब्लम स्टडी किए हैं तो ये प्रॉब्लम आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। चलो फिलहाल हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहां पे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना। यहां पे फोर पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी डी, सभी के सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे एक्स वाई जेड के फॉर्म में। देन आफ्टर यहां पे फोर्स एफ का इक्वेशन बनाएंगे, वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे, देन फोर्स पी का वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे और देन क्यू का वेक्टर इक्वेशन बना के क्यू में जो कुछ भी अब्सेंट है वो फाइंड आउट करके देन हम क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो चलो सबसे पहले सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। यहां पे तीन एक्सिस दिए हैं, एक दिया है एक्स एक्सिस, एक दिया है वाई एक्सिस और एक दिया है जेड एक्सिस। और चलो यहां पे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करना है वो देखो। सबसे पहले हम पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करना, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का टेक्निक भी हमने इसके पहले के हर एक वीडियो में बताए थे, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो वहां से आपका कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने उसमें क्या रूल बताए थे वही रूल हम यहां अप्लाई कर रहे हैं। हमने बताए थे जब कभी भी आप कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं तो ओरिजिन से वो पॉइंट की तरफ चलो, जर्नी हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करना है। ये देखिए ओरिजिन यहां पे है, ओरिजिन से अगर आप इधर गए तो प्लस एक्स एक्सिस, ओरिजिन से अगर आप इधर गए तो माइनस एक्स एक्सिस, ओरिजिन से अगर आप ऊपर गए तो प्लस वाई एक्सिस, ओरिजिन से नीचे गए तो माइनस वाई एक्सिस, ओरिजिन के इधर गए तो प्लस जेड एक्सिस, ओरिजिन के उधर गए तो माइनस जेड एक्सिस। तो कौन से साइड में जा रहे हैं बस आपको वो देखना है और उसी हिसाब से आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। चलो सबसे पहले हम पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट ए कहां पे, ये देखिए पॉइंट ए यहां पे है, हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए एक्स वाई जेड के फॉर्म में। तो आपको जर्नी हमेशा ओ से स्टार्ट करना है, इट मीन्स ओरिजिन से। तो चलो ओरिजिन से जर्नी स्टार्ट करो, ओ से ए के तरफ चलो और कौन से वे ऑफ एक्शन में जा रहे हैं, इट मींस कौन से एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं वो आप देखो और उसी के हिसाब से यहां कोऑर्डिनेट्स लिखो। तो ये देखिए सबसे पहले हम ओ से ऐसा ऊपर जाएंगे देन इधर आएंगे। जब आप ऊपर जा रहे हैं तो कितना मीटर ऊपर गए, तो यहां से यहां तक आप 3 मीटर ऊपर गए, क्योंकि ये देखिए यहां से यहां तक का लेंथ दिया है 3 मीटर और ये लाइन जो है ये इसको एग्जैक्टली पैरेलल है, तो यहां से यहां तक भी 3 मीटर है। तो O से आप ऊपर 3 मीटर गए, देन इधर आ गए 4 मीटर, ये 3 मीटर ये 4 मीटर। और अब आपको देखना है कि आप कौन से एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं। तो हमने कहा था कि O से अगर आप ऊपर गए तो प्लस वाई एक्सिस, तो ये देखिए यहां से आप ऊपर गए प्लस वाई एक्सिस के अलोंग 3, तो y कंपोनेंट हो गया 3, प्लस वाई एक्सिस के अलोंग गए 3 तो y कंपोनेंट हो गया 3। अब आप इधर जा रहे 4 मीटर, आपको इधर जाना है, इट मींस आप इधर जा रहे मतलब z एक्सिस के अलोंग जा रहे, क्योंकि ये जो लाइन है ये z एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल है, z एक्सिस यहां है, z एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल है। तो यहां से आप इधर जा रहे 4 मीटर, इट मींस z एक्सिस के अलोंग जा रहे,
प्लस जेड एक्सिस के अलॉन्ग 4 जा रहे तो जेड कंपोनेंट 4 और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं गए तो एक्स कंपोनेंट 0, तो 0, 3, 4 ये हो गया ए के कोऑर्डिनेट्स। ये ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का एक और दूसरा मेथड है, वो दूसरा मेथड क्या है वो भी समझ लो। हमने क्या किए थे, सबसे पहले ओ से ऊपर गए देन इधर आए, ऐसा गए तो हम ए तक पहुंच गए। एक और ऑप्शन है वो देखिए क्या ऑप्शन है, ओ से पहले इधर जाओ देन ऊपर जाओ, ठीक है, तो भी यही कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ये देखिए ओ से अगर आप इधर आए तो ये आ गए 4 मीटर, क्योंकि ये लेंथ 4 मीटर है, ठीक है। तो ओ से इधर आ गए आप 4 मीटर, तो ये प्लस जेड एक्सिस के अलॉन्ग 4 मीटर, तो जेड कंपोनेंट 4, देन यहां से प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग 3 मीटर, तो वाई कंपोनेंट 3, तो और एक्स जो है वो 0 है, तो कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 3, 4, ठीक है। ये प्लस जेड एक्सिस देन प्लस वाई एक्सिस, प्लस जेड के अलॉन्ग 4 तो जेड कंपोनेंट 4, प्लस वाई के अलॉन्ग 3 तो वाई कंपोनेंट 3, और एक्स के अलॉन्ग नहीं गए तो एक्स 0। तो फाइनली ए के कोऑर्डिनेट 0, 3, 4 हमने आपको दोनों तरह से फाइंड आउट करा के दिए हैं, और अब हम बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। चलो देखते हैं बी के कोऑर्डिनेट्स यहां क्या आएंगे। बी पॉइंट कहां पे, ये देखिए बी पॉइंट यहां पे है, और इसके कोऑर्डिनेट्स बहुत ही आसान है। ओरिजिन से जर्नी स्टार्ट करो, ओ से अगर आप इधर गए तो प्लस जेड एक्सिस है और इधर गए तो माइनस जेड एक्सिस है, तो ये देखिए ओ से आप इधर जा रहे, जब आप ओ से इधर जा रहे तो माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग कितना मीटर जा रहे, तो ये है 3 मीटर, तो माइनस जेड के अलॉन्ग 3 मीटर है, और आप बी तक पहुंच गए तो माइनस जेड के अलॉन्ग 3 गए, तो जेड कंपोनेंट हो गया -3, और एक्स और वाई जो है वो 0, 0, तो फाइनली इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए दैट इज 0, 0, -3, 0, 0, -3 बी के कोऑर्डिनेट्स। आप माइनस जेड के अलॉन्ग 3 गए इसलिए जेड कंपोनेंट -3, और अब आप सी के कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। देखिए सी के कंपोनेंट्स क्या आएंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, देखिए बहुत ही आसान है। सी यहां पे है, तो जर्नी आपको ओरिजिन से स्टार्ट करना है, ओरिजिन से आप इधर जा रहे हैं, ये देखिए कितना मीटर जा रहे, यहां से यहां तक है 8 मीटर, ये 4 + 4 ये हो गया 8 मीटर, और आप प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं, क्योंकि हमने आपको कहा था उधर गए तो प्लस एक्स एक्सिस, इधर गए तो माइनस एक्स एक्सिस, तो जो है आप यहां से प्लस एक्स के अलॉन्ग गए 8 मीटर, तो यहां से आप एक्स के अलॉन्ग 8 मीटर गए तो एक्स कंपोनेंट 8, आप सी तक पहुंच गए, वाई और जेड के अलॉन्ग नहीं गए तो वाई और जेड जो है वो 0, 0, तो सी के कंपोनेंट्स हो गए, सॉरी सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 8, 0, 0, और अब लास्ट है डी के कोऑर्डिनेट्स। चलो देखते हैं डी के कोऑर्डिनेट्स यहां पे क्या होते हैं। तो डी कहां पे, ये देखिए डी सबसे ऊपर में है, डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, तो जर्नी आपको फिर से ओ से स्टार्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, ओ से पहले आप इधर जाएंगे 4 मीटर, देन ऊपर जाएंगे 10 मीटर, ठीक है। तो पहले आप 4 गए फिर 10 गए, और अब आप कौन से एक्सिस के अलॉन्ग गए वो चेक करो। तो ओ से जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 4 मीटर, तो ये प्लस एक्स के अलॉन्ग 4 मीटर, प्लस एक्स के अलॉन्ग 4 मीटर, तो एक्स कंपोनेंट हो गया 4 मीटर, ठीक है, प्लस एक्स के अलॉन्ग आप गए 4 मीटर, देन ये जा रहे प्लस वाई के अलॉन्ग 10 मीटर, प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग 10 मीटर, तो वाई कंपोनेंट 10, और जेड के अलॉन्ग नहीं गए तो जेड कंपोनेंट 0। तो फाइनली सभी पॉइंट्स ए बी सी डी के हमने यहां कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में, और अब हम प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएंगे और प्रॉब्लम अब यहां से फाइनली स्टार्ट करेंगे। क्या फाइंड आउट करना है हमें, एक बार रिवाइज करेंगे, हमें ये फोर्स क्यू का मैग्नेट्यूड फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले जो गिवन दो फोर्सेस है दोनों का वेक्टर इक्वेशन हम बनाएंगे, और लास्ट में हम फोर्स क्यू का वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे, तीनों फोर्सेस का हम वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे, देन तीनों का वेक्टर इक्वेशन हम ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट का वेक्टर इक्वेशन मिलेगा, देन वो रिजल्टेंट के वेक्टर इक्वेशन में हम गिवन कंडीशन, जो रिजल्टेंट की कंडीशन दी है हम उसका यूज करेंगे, और देन हम प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएंगे। तो चलो सबसे पहले फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन बनाते हैं। तो फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन बनाने के लिए फोर्स एफ देखो कहां से कहां जा रहा है, फोर्स एफ इज एक्टिंग फ्रॉम डी टू ए, फोर्स एफ इज एक्टिंग फ्रॉम डी टू ए है, इसका मतलब डी हो गया सेंडिंग एंड और ये हो गया रिसीविंग एंड, वो सेंडिंग एंड है ये रिसीविंग एंड है, तो रिसीविंग एंड माइनस सेंडिंग एंड करना है, डी टू ए जा रहा है तो ए माइनस डी करो, तो हम यहां लिखेंगे ए माइनस डी, तो ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस डी के कोऑर्डिनेट्स आप करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास दैट इज 0, 3, 4 और डी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास दैट इज 4, 10, 0, और अब ये देखिए ये एक्स वाई जेड और ये भी एक्स वाई जेड, तो एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई और जेड माइनस जेड करना है, और करते समय आई जे के आपको वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में यहां पे तैयार करना है। तो ये हो गया 0, -4, तो ये हो गया -4 आए, 3, -10, तो ये हो गया -7j, 4, -0, तो ये हो गया +4k, और बाद में हमें फोर्स मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है, फोर्स एफ का फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा fm, ये हमने इसके पहले के भी हर एक वीडियो में बताए थे। कोई भी फोर्स का जब आप वेक्टर इक्वेशन बनाते हैं तो आपको फोर्स मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है, फोर्स मल्टीप्लायर फोर्स एफ का फोर्स मल्टीप्लायर हो गया एफएम, और एफएम का वैल्यू यहां पे दिया है क्या, एफएम का वैल्यू यहां नहीं दिया है, तो एफएम का वैल्यू आपको एफएम का अब फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एफएम का फॉर्मूला क्या है वो देखिए,
फोर्स मल्टीप्लायर एफएम का फार्मूला है एफ बाय डी, फोर्स मल्टीप्लायर एफएम का फार्मूला रहेगा एफ बाय डी। तो एफ का वैल्यू यहां पे दिया है 90 और डी माने क्या, डी माने ये देखिए एफ बाय डी माने अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो चलो देखते हैं कि ये फॉर्मूले का यूज कैसे करना, बहुत ही सिंपल है। हम यहां पे एफएम की जगह एफ बाय डी लिखेंगे, तो ये देखिए हम यहां एफएम की जगह यही पे एफ बाय डी लिख लेते हैं। तो ये हमने एफएम की जगह एफ बाय डी लिख दिए क्योंकि एफएम फोर्स मल्टीप्लायर एफ बाय डी होता है। और अब यहां पे एफ और डी का वैल्यू पुट अप करो, एफ का वैल्यू है 90 तो हम एफ की जगह यही पे लिख लेते हैं 90 और डी माने क्या, डी माने हमने यहां लिखा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है आई जे के, इसमें जो आई जे के का जो कोएफिशिएंट है वही एक्स वाई जेड है। इसका मतलब ये -4 -7 4 ये जो है यही तीनों एक्स वाई जेड है और इसको आपको यहां डी में इट मींस यहां अंडर रूट में आपको करना है। ये देखिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो चलो यहां पे हम लिखेंगे यहां अंडर रूट में, तो ये हम करेंगे दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स माने -4 तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर देन वाई स्क्वायर माने 7 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। ये देखिए ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये आपको ऐसा लिखना है ठीक है। और अब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर में हम इसको लिखेंगे तो ये हो गया 90 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ दैट इज 16 प्लस 49 प्लस 16 ठीक है। तो ये आंसर आ चुका है 10, तो इसका आंसर आ चुका है पूरा 90 बाय अंडर रूट का आंसर 10 है। और अब ये इक्वेशन हम एज इट इज लिखेंगे फिलहाल, और अब हम इसका आंसर हम यहां लिखेंगे 10। तो फाइनली 90 बाय अंडर रूट का आंसर आ चुका है 10। और अब आपको क्या करना है, ये 10 से जो है बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है, 10 से आप यहां मल्टीप्लाई करो देन यहां मल्टीप्लाई करो और यहां मल्टीप्लाई करो, तीनों को मल्टीप्लाई करो और देखो फाइनली इक्वेशन क्या बनता है। तो ये बना -4 ये 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया -40i देन -70j प्लस ऑफ 40k। तो फाइनली हमें फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन मिल गया। बिल्कुल इसी तरह से रिमेनिंग दोनों फोर्सेस का भी हमें वेक्टर इक्वेशन तैयार करना है। टोटल यहां पे तीन फोर्सेस है, तीन में से फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन हमने बना लिए, उसी तरह से अब फोर्स पी का वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे। बिल्कुल सेम डुप्लीकेट ऐसा ही स्टेप यहां पे रहेगा। तो चलो फोर्स पी का वेक्टर इक्वेशन बनाते हैं। फोर्स पी कहां से कहां जा रहा है वो चेक करो, फोर्स पी इज एक्टिंग फ्रॉम डी टू बी है, डी टू बी मतलब बी माइनस डी करना पड़ेगा, रिसीविंग एंड माइनस सेंडिंग एंड, तो बी माइनस डी करना पड़ेगा। बी के कोऑर्डिनेट्स है 0 0 -3 माइनस डी के कोऑर्डिनेट्स है 4 10 0 और यहां पे आपको फिर से x माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड करना है। तो ये हो गया 0 -4 -4i देन 0 -10 तो ये -10j -3 -0 तो ये हो गया -3k। और फाइनली देखिए हमने फोर्स p बार के लिए ऐसा वेक्टर इक्वेशन बना रहे और अब हमें इसको फोर्स मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है। फोर्स p का फोर्स मल्टीप्लायर रहेगा pm, जैसा यहां पे फोर्स एफ का फोर्स मल्टीप्लायर था एफएम, तो एफएम था तो एफ बाय डी है, और अब है यहां पे फोर्स पी का फोर्स मल्टीप्लायर पीएम। अगर ये पीएम है तो अगर हम ये पीएम है तो हम इसको पी बाय डी ऐसा करेंगे, ये देखिए ये ऐसा रहेगा। तो ये पीएम अगर है तो पी बाय डी, तो हमें वही करना है यहां, पीएम की जगह हमें पी बाय डी यहां हमें पुट करना है। तो चलो पीएम की जगह हम यहां पर पी बाय डी लिखेंगे और पी और डी का वैल्यू हमें पता है, P का वैल्यू है 150, P का वैल्यू इट मींस P का मैग्नीट्यूड जो कि 150 है वो हम यहां लिखेंगे, P के जगह हम लिखेंगे यहां 150 और D माने क्या, तो D माने अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये एक्स वाई जेड कहां से है, तो ये देखिए आई जे के का ये जो कोएफिशिएंट है यही उसका एक्स वाई जेड है, इट मींस 4 10 3। तो ये हमने लिखे 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और यहां पे माइनस मेंशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। और अब ये पूरा कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर में पुट अप कर लेंगे, 150 बाय अंडर रूट 150 बाय दैट इज अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 100 प्लस 9 तो ये आंसर आ चुका है दैट इज 13.416 का आंसर आ चुका है। तो ये हम लिखेंगे -4i -10j -3k और इसका आंसर आ चुका है दैट इज 13.416। और अब वही करना है जो इसके पहले किए थे, 13.416 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे हर एक टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 13.416 से आई को भी मल्टीप्लाई करो, जे को भी करो और के को भी करो, और तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या इक्वेशन आएगा। तो सबसे पहले आई के टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल पी बार का यहां इक्वेशन आएगा। तो 13.416 × 4 तो यह आ चुका है दैट इज 53.664 ऑफ आई और ये माइनस है सामने, ठीक है। देन 13.416 × 10 करेंगे तो प्लस ये हो गया, प्लस नहीं सॉरी यहां पे माइनस आएगा क्योंकि 10 के सामने माइनस है,
134.16 ऑफ जे और माइनस लास्ट टर्म जो है वो आएगा दैट इज 40.248 ऑफ के। तो फाइनली फोर्स पी का वेक्टर इक्वेशन ये हमें मिल गया, दो फोर्सेस के वेक्टर इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिए, फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन हमें मिल गया आईजेके के फॉर्म में, फोर्स पी का भी वेक्टर इक्वेशन मिल गया, जो गिवन फोर्सेस थे उनका वेक्टर इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिए, और अब जो फोर्स का मैग्नेट्यूड अब्सेंट है वो फोर्स का हमें वेक्टर इक्वेशन तैयार करना है, इट मींस फोर्स क्यू का। तो चलो फोर्स क्यू का वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे। तो फोर्स क्यू कहां से कहां पास हो रहा है वो आप चेक करेंगे, फोर्स क्यू इज एक्टिंग फ्रॉम डी टू सी, डी टू सी जा रहा है तो सी माइनस डी करेंगे, तो ये हम लिखेंगे फोर्स क्यू के लिए दैट इज यहां पे सी माइनस डी करेंगे क्योंकि डी टू सी जा रहा है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स है 800 माइनस डी के कोऑर्डिनेट्स है 410। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट जो है 800 तो ये हमने लिखे और डी के कोऑर्डिनेट्स 410। और अब यहां पे हम x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड करेंगे, तो ये 8 माइनस 4 तो ये हो गया 4 ऑफ y, 0 माइनस 10 तो ये हो गया माइनस 10 ऑफ j, और यहां पे k का टर्म नहीं आएगा, तो फाइनली हमने यहां पे फोर्स q का वेक्टर इक्वेशन बना रहे, लेकिन इसको फोर्स मल्टीप्लायर qm से मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखिए हमने फोर्स मल्टीप्लायर qm से हमने यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये फोर्स q का वेक्टर इक्वेशन हमें यहां मिल रहा है, लेकिन qm के जगह q बाई डी करना होता है, जैसा fm के जगह हमने f बाई डी करे, pm के जगह हमने p बाई डी करे, लेकिन qm के जगह q बाई डी करना है, लेकिन q का वैल्यू हमारे पास नहीं है, q का वैल्यू हमारे पास नहीं है, इट मींस उसका मैग्नीट्यूड नहीं है, तो इसको एज इट इज ऐसा ही रहने दो। तो फाइनली ये q बार का वेक्टर इक्वेशन जो है ये हमें मिल गया। एक काम कर सकते हैं इसमें, इसमें हम एक काम क्या करेंगे, ये जो qm है qm से हम अंदर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई करके इक्वेशन हम ऐसा बनाएंगे, 4qm ऑफ i माइनस 10qm ऑफ j, ज्यादा से ज्यादा ये यहां तक सॉल्व होगा और इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। तो फाइनली हमने तीनों फोर्सेस का वेक्टर इक्वेशन यहां बना लिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन में हमें फोर्स क्यू का मैग्नेट्यूड फाइंड आउट करने के लिए कहा है, और फोर्स क्यू का मैग्नेट्यूड फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा है, क्वेश्चन आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था कि सच दैट रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब हमें क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में दिया था रिजल्टेंट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ऐसे में हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये पैरेलल टू द वाई एक्सिस ये कंडीशन का हमें यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे जरा ध्यान दीजिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम यहां पर रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलो हम यहां देखते हैं रिजल्टेंट क्या होना है, तो हम यहां लिखेंगे रिजल्टेंट R equals to P bar plus सबसे पहले हम फोर्स F ले लेंगे, फोर्स F bar plus फोर्स P bar plus फोर्स Q bar, तो इससे हमें रिजल्टेंट वेक्टर यहां पे वेक्टर R का इक्वेशन हमें मिल जाएगा, दैट इज R bar का इक्वेशन, F bar, P bar, Q bar, तीनों फोर्सेस का वेक्टर इक्वेशन हमें प्लस करना है, तो ये फोर्स F का वेक्टर इक्वेशन, ये फोर्स P का वेक्टर इक्वेशन और ये फोर्स Q का वेक्टर इक्वेशन, और ये कैसे ऐड करेंगे देखिए, तो यहां देखते हैं क्या होगा, रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो तीनों का आई जे के हमें चाहिए, तो इसके आई में है माइनस ऑफ, इसके आई में है माइनस ऑफ 40, इसके आई में है माइनस 53.664। ठीक है, दोनों का आई हमें ऐड करना है, तो ये आ चुका है माइनस 93, माइनस 93.664, ये दोनों का आई, और ये आई है 4 प्लस 4qm, तो ये हमने आई यहां पे तीनों का हमने यहां पे आई यहां पे कॉमन ले लिया सीधा सीधा। ठीक है, तो ये हमें रिजल्टेंट का वेक्टर इक्वेशन मिल रहा है, जस्ट अ मिनट, ये रिजल्टेंट का वेक्टर इक्वेशन बहुत ही आसानी से हमने क्या किए, इसका आई और इसका आई यहां पे कॉमन ले लिए, तो ये और ये टर्म हमने ऐड कर दिए, लेकिन यहां पे जो 4qm है वो हमने यहां लिख दिए, और अब तीनों का जे हमें कॉमन यहां पे लेना है, तो इसके जे में है माइनस ऑफ 70 और इसके जे में है माइनस 134.16, तो वो ऐड हो जाएगा, तो ये होगा, पहले तो हम प्लस ले देंगे, माइनस यहां पे 204.16 और इसके जे में है माइनस ऑफ 10qm ऑफ जे। ठीक है, तो इसका जे और इसका जे और इसका जे, तीनों का जे हमने कॉमन ले लिए, तो यहां पे ऐसा एक इक्वेशन बनेगा, और के की अगर बात करें इसमें तो के है नहीं, बस ये दोनों का के आपको प्लस माइनस करना है, यहां पे प्लस 40 है, यहां माइनस 40.284 है, तो ये रहेगा, दोनों का के हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस, दैट इज 0.248 ऑफ के। तो फाइनली हमने रिजल्टेंट का वेक्टर इक्वेशन यहां तैयार कर लिए, ये देखिए ये जो है
ये रिजल्टेंट का वेक्टर इक्वेशन है और ये रिजल्टेंट का वेक्टर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिजल्टेंट के वेक्टर इक्वेशन में अब हमें कंडीशन का यूज करके सॉल्व करना है। ये कंडीशन क्या है, देखिए क्वेश्चन में कंडीशन क्या था हमने इसके पहले बताए थे, बस वही कंडीशन का यूज करना है। देखिए ये रिजल्टेंट का ये जो वेक्टर इक्वेशन है, ये रिजल्टेंट का आई कंपोनेंट, ये जे कंपोनेंट और ये के कंपोनेंट, इट मींस ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ये जेड कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट्स हमने यहां के फॉर्म में हमने एक इक्वेशन बना लिया। क्वेश्चन में लिखा था कि रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका मतलब ये पूरा फोर्स सिस्टम, ये फोर्स सिस्टम में जो तीन फोर्सेस है, तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, देखिए कंक्लूजन बहुत आसान है। क्वेश्चन में लिखा है रिजल्टेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर रिजल्टेंट वाई एक्सिस को पैरेलल है इसका मतलब यह है कि रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट वाई एक्सिस को पैरेलल है, इट मींस रिजल्टेंट वाई एक्सिस के अलोंग है, तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट हमें जीरो करना है। तो ये देखिए ये जो रिजल्टेंट का हमने वेक्टर इक्वेशन बनाया, ये रिजल्टेंट के वेक्टर इक्वेशन में ये है एक्स कंपोनेंट, ये है वाई कंपोनेंट और ये है जेड कंपोनेंट, तो ये तीन कंपोनेंट में से हमें दो कंपोनेंट जीरो करना है। रिजल्टेंट वाई एक्सिस को पैरेलल है इसका मतलब रिजल्टेंट वाई एक्सिस के अलोंग है, इसका मतलब उसका एक्स कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट जीरो होगा। ये देखिए x कंपोनेंट माने ये कंपोनेंट और z कंपोनेंट माने ये कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट को हमें जीरो करना है। तो चलो देखते हैं उससे सॉल्व होगा, लेकिन हम यहां पे पहले वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया था। तो चलो हम यहां पे स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करेंगे कि सिंस इट इज गिवन दैट, तो देखिए हमने यहां पे एक स्टेटमेंट लिख दिया है, ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब ऐसा प्रॉब्लम एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली वो सॉल्व करते हैं, नहीं, आपको हमेशा स्टेटमेंट लिखना चाहिए। क्वेश्चन में जो भी गिवन कंडीशन थी उसका यूज करके आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखना है और जो भी आपने कंक्लूजन निकाले हैं वो कंक्लूजन आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा। तो देखो हमने यहां पे कंक्लूजन मेंशन कर रहे हैं, क्या लिखा है एक बार हम पढ़ेंगे। यहां पे हमने लिखा है सिंस इट इज गिवन दैट रिजल्टेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस विच मींस इट्स एक्स एंड जेड कंपोनेंट मस्ट बी जीरो। तो चलो हम ये कंडीशन का यूज करेंगे, तो हम यहां लिखेंगे एक्स कंपोनेंट, यहां हम लिखेंगे एक्स कंपोनेंट इक्वल्स टू जीरो, एक्स कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट जीरो करना है, हम सिर्फ एक्स कंपोनेंट को जीरो करेंगे क्योंकि ये जो रिजल्टेंट का इक्वेशन है, ये रिजल्टेंट के इक्वेशन में ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ये जेड कंपोनेंट, जैसा हमने इसके पहले बताए थे, तो ये एक्स कंपोनेंट हम जीरो करेंगे क्योंकि यहां पर अननोन है क्यू एम, तो चलो हम इसको जीरो करेंगे। तो एक्स कंपोनेंट मतलब -93.664 प्लस 4qm इक्वल्स टू जीरो। ये देखिए ये जो x कंपोनेंट है यही एज इट इज हमने यहां लिख दिए, उसको हमने इज इक्वल टू जीरो किए, इसको उधर शिफ्ट करो तो ये हो गया 4qm इक्वल्स टू 93.664 और इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें qm का वैल्यू मिल जाएगा और उसके लिए हम कैलसी का यूज करेंगे। हम यहां लिखेंगे 93.664 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आंसर आ चुका है, दैट इज 23.416 और यहां लिखेंगे न्यूटन पर मीटर। फोर्स मल्टीप्लायर का यूनिट हमेशा न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर ऐसा रहेगा, फोर्स मल्टीप्लायर दैट इज न्यूटन पर मीटर, हमें क्यूएम यहां पे मिल चुका है 23.416, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमें फोर्स क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्यूएम का वैल्यू हम ये इक्वेशन में पुटअप करेंगे, ये इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये देखिए ये जो फोर्स क्यू का आपने वेक्टर इक्वेशन बनाए थे इसमें पुटअप करेंगे, तो चलो इक्वेशन नंबर 1 में हम यहां पुट करेंगे, देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद फोर्स क्यू का इक्वेशन क्या बनता है। 4qm तो हम लिखेंगे 4 इंटू 23.416 ऑफ आई, देन माइनस 10qm तो माइनस 10 इंटू 23.416 ऑफ जे। तो देखिए हमने ऐसा इक्वेशन बना दिए और ये बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है। ये देखिए यहां पे 4qm qm की वैल्यू, देन माइनस 10qm qm की वैल्यू और यहां पे इसको सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है 23.416 इंटू 4, तो ये आ रहा है पहला टर्म दैट इज 93.664 ऑफ i माइनस 234.16 ऑफ j। तो फाइनली फोर्स q का हमें वेक्टर इक्वेशन मिल चुका है और अब इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए कहा है तो इसका मैग्नीट्यूड हम यहां लिखेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए हमें इसका मॉड करना पड़ेगा, इट मींस हमें इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, तो इसको अंडर रूट में ले लेंगे 93.664 का स्क्वायर प्लस 234.16 का स्क्वायर। तो फाइनली यहां पे हम फोर्स क्यू यहां पे हमें मिल जाएगा, तो इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, अंडर रूट ऑफ 93.664 स्क्वायर प्लस 234.16 का स्क्वायर।
तो ये आंसर आ चुका है 252.198। तो फोर्स क्यू का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया है 252.198, जो कि फाइंड आउट करने के लिए कहा था। लेकिन एक और मेथड बता दे ये फोर्स क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का, आपने क्या किए थे, ये क्यूएम का जो वैल्यू है, ये क्यूएम का वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट अप किए थे, इक्वेशन नंबर वन में पुट करके ऐसा बनाए थे, देन उसको सॉल्व करके उसको मल्टीप्लाई करके ऐसा बनाया, देन उसका अंडर रूट लिए। ऐसा अगर आपको नहीं करना है तो एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है देखिए, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, ये क्यूएम का वैल्यू डायरेक्टली ये इक्वेशन में पुट अप करना है। अगर आप डायरेक्टली ये क्यूएम का वैल्यू अगर आप यहां पुट करेंगे और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो भी वही आंसर आएगा। देखो हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये ऐसा सॉल्व करना नहीं आता है। देखो हम क्या करेंगे, ये क्यूएम का वैल्यू यहां पे पुट अप करेंगे, ये रिमेनिंग इक्वेशन एज इट इज हम यहां पे रखेंगे, तो ये हो गया 4i-10j और क्यूएम का वैल्यू यहां पे आ रहा है 23.416। ये देखिए ये जो 23.416 है वो यहां आ गया, बाकी पूरा इक्वेशन जो है वो एज इट इज है। और अब आप इसका अंडर रूट लो, अब ये 23.416 से अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसका मैग्नीट्यूड लो, इट मींस डायरेक्टली उसका अंडर रूट लो, तो आपको यही आंसर जो है क्यू का मिलता है। चलो यहां पर आपको हम सॉल्व करा के बता दें, तो हम यहां लिखेंगे मैग्नीट्यूड, यही आंसर आएगा बिल्कुल। देखो मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ क्यू इक्वल्स टू, दैट इज मॉड ऑफ क्यू, आपको सिर्फ अंडर रूट आई जे का, यहां पे आई जे में यहां लिखा है 4² + 10² बस आपको ये इसका अंडर रूट करना है और बाहर से 23.416 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 23.416 का स्क्वायर या अंडर रूट ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो देखो हम इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट ऑफ 4² + 10² और ये जो भी आंसर है इसको इनटू करना है 23.416, तो हमने किए तो ये आया 252, आंसर वही आएगा डेफिनेटली 252.198 न्यूटन। तो फोर्स क्यू का मैग्नीट्यूड यहां हमने फाइंड आउट कर लिए। ये सेकंड मेथड है, एग्जाम में जब कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप चाहे तो ऐसा सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और अगर आप चाहे तो आप ऐसा सॉल्व करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहां पे भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, यहां पे भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो फाइनली प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्यू, तो फोर्स क्यू का मैग्नीट्यूड जो है वो हमने फाइंड आउट करके बता दिए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 3 प्रॉब्लम्स लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने इसके पहले स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।